बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। किसी पर कीचड़ मत उछालो, हो सकता है कि आपका निशाना खता हो जाए, लेकिन आपके हाथ ज़रूर गंदे हो जाएंगे। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, हथेली पे ज़रा सी खाक रखना और उड़ा देना। गुस्सा भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने बुझा दी, और जो जब्त ना कर सका वो खुद उसमें जलता रहा। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख बुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना बुलाए। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिज़क अल्लाह ताला के पास है, तो फिर रिज़क की तलाश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़क है। आमाल बग़ैर इखलास के ऐसे ही हैं जैसे बग़ैर एड्रेस के लिखा गया ख़त, जो अपनी मतलूबा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। नेमत का मिलना आजमाइश है कि तुमने शुक्र अदा किया या नाशुक्री की। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया हूँ तो अपने बोलने पर पछताया हूँ। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब भी पुलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है।